गोविंद गुणा गोपाल गुणा गाए ले रे मन गोविंद गुणा गोविंद गुणा गोपाल गुणा गाए ले रे मन गोविंद गुणा। संसार को उपदेश करने नहीं बैठे, महाप्रयाण की घड़ी निकट जान किसको उद्बोधन देते हैं? अपने मन को। संत सिखाता है कि साधक का जीवन कैसा हो, उद्बोधन किसी के लिए नहीं, उपदेश किसी के लिए नहीं, अपने मन से कहते हैं। कि नामदेव जी का अभंग जो गोविंद की विट्ठल की पौड़ी पर बैठकर नामदेव जी ने गाया और गाते गाते सशरीर भगवान के धाम में गए, जिस पौड़ी पर नामदेव जी ने बैठकर ये पद गाया, आज भी पंढरीनाथ के मंदिर में उस पौड़ी को नामदेव जी की पौड़ी कहा जाता है। विट्ठल का दर्शन करने वाला पहले नामदेव जी की पौड़ी पर अपना माथा झुकाता है, तब विट्ठल उसे अपना दर्शन देते हैं। यही गाते, यही गुनगुनाते, इसी प्रकार अपने मन को उद्बोधन देते सदैव भगवत धाम में नामदेव जी गए। गोविंद गुणा गोपाल गुणा गाए ले रे मन गोविंद गुणा गोविंद गुणा गोपाल गुणा गाए ले रे मन गोविंद जात किसे नहीं पूछी मन वे के जात किसे नहीं पूछनी उठे अमला दे कौन गे नबेड़े समझ मन मेरे भजन कर गोविंद मन वे भजन कर गोविंद मन वे और जिस परम भागवत की इस सुंदर सुमधुर वार्ता के फलस्वरूप दो दिन प्रभु ने हमें ये सुंदर सत्संग के क्षण दिए, मैं आज चाहूंगा कि हम सब लोग मिलकर, जितने लोग यहां बैठे हैं, सब लोग मिलकर दो घड़ी श्री नामदेव जी को उनके विट्ठल का नाम सुना दें। विट्ठल विट्ठल विट्ठला मांझा पांडुरंग विट्ठला विट्ठल विट्ठल विट्ठला 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 पांडुरंग विट्ठला we
विठल विठल विठला पांडुरंग।